नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू गिव एग्जाम एंड हाउ टू राइट एन एग्जामिनेशन, कि किस तरह से आप एग्जाम दे और एग्जाम में किस तरह से लिखना है, ये सभी के बारे में मैं बात करूंगा। कि जैसे कि एग्जाम सेट जो मिलते हैं इतने बड़े बड़े मिलते हैं और लगभग 13 के एवं पेज रहते हैं, तो किस तरह से आप 3 आवर के अंदर में एक सटीक जवाब देकर आप इसको भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं, इसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चन में मिलता है कि मेरा पेज नहीं फिलअप हो पाता है, मेरा आंसर है जो 15 से 20 पेज में ही हो जाता है, कोई 10 पेज में ही कर लेते हैं। तो कैसे अपने जो आंसर सीट है उसे किस तरह से फिलअप करना है, कि हमारा जो पूरा पेज है एवं 30 पेज के ऊपर कैसे लिखा है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो प्लीज फ्रेंड्स, हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर जितने भी मेडिकल से जुड़े भी आपको सभी नॉलेज मिलेंगे, खासकर BSc नर्सिंग, ZM और ANM के लिए। तो क्या हुआ, ये 4 पार्ट में आपको डिवाइड हो गया, तो आप क्या करें, दोनों साइड में कभी भी स्पेस नहीं छोड़ना, जब भी छोड़ना है कभी ये स्पेस है, इस स्पेस को छोड़कर बाकी के इस 3 जो पार्ट है इसमें आपको आंसर को लिखना है। आंसर लिखेंगे हम कैसे, उसके लिए मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि अगर आप MSc का एग्जाम दे रहे हैं, मेडिकल साइंस का नर्सिंग हो या फिर पैथोलॉजी हो, तो वो सब में किस तरह से लिखते हैं, या फिर कोई भी अपनी फार्माकोलॉजी वगैरह है, तो अगर फार्माकोलॉजी में है तो कोई ड्रग्स के बारे में पूछेंगे, अगर CT वगैरह है तो उसमें पूछेंगे फैमिली और सोशियोलॉजी है तो फैमिली क्या है, अगर CT है तो जैसे कि कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये सब आपको देंगे। अगर बात करते हैं पैथोलॉजी के बारे में और MSc में, दोनों लगभग सेम है, एक में पैथोफिजियोलॉजी हो जाता है और एक में पैथोजेनेसिस लिखा जाता है, तो मैं उसी को बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, मैंने क्या बोला कि 1/4 भाग छोड़ देना पेज का जो मैंने इसमें बताया। अब क्या करना, जो फ्रंट पेज है जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दे दिए, अब यहाँ से आंसर यहाँ पे देना। तो सबसे पहले क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन, अगर जैसे कि दिया हुआ है कि व्हाट इज ट्यूबरक्लोसिस, डिफाइन ट्यूबरक्लोसिस इटियोलॉजी कॉजेज एंड मैनेजमेंट या फिर ट्रीटमेंट अगर दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर डिफिनेशन लिखेंगे, तो जैसे कि अगर ये पेज है तो ये पेज वन है, तो मैं आपको बाद में क्वेश्चन में सोच करके दिखाऊंगा। तो जैसे कि ये ऊपर का फ्रंट होगा, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट किया, यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिफिनेशन ऑफ टीबी, तो टीबर प्रोसेस के लिए इसको क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन करने से क्या होता है कि वो ज्यादा दिखता है फ्रंट पे, उसे देखने में लुक इसका अच्छा लगता है। आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन, अब इसको इंट्रो दे रहे हैं या फिर डिफिनेशन लिख रहे हैं, तो इसको 3 टाइप्स से पहले इसको डिफाइन करना है, क्या सबसे पहले कहाँ किस सिस्टम में यहाँ होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, जो टीबर प्रोसेस है ये कौन सी डिजीज है, या रेस्पिरेटरी डिजीज है, तो हम लोग सिंपल इसको लिख सकते हैं कि टीबर प्रोसेस इज अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर डिजीज। अब क्या कॉजेटिव वजह, या किसके कारण से हो रहा, तो इट इज ए कॉज बाय बायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो आपको पता है कॉजेटिव वजह, तो ये लिखे। फिर इसके बाद बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, तो इट्स मेनली सिम्टम्स इज कफिंग विथ ब्लड, तो ये क्या होगा, अब इसका प्रूफ हो गया, ये सिम्टम
सिम्टम्स है, ये सिर्फ आपको टीवी में ही मिलता कि कफ के साथ में ब्लड आते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अगर डिप्रेशन के लिए तो कम से कम आपको हाफ से ऊपर पेज में या सिर्फ इंट्रोडक्शन में ही आपका ये चला जाएगा। यानी कहने का मतलब कि मेरा कम से कम कितना पेज है जो ये फिलअप हो जाएगा, इतना फिलअप हो गया। अब बात करते हैं इक्टियोसिस के बारे में कि कॉजेस अगर पूछा जाए तो क्या करेंगे, एक लाइन इसको छोड़ देंगे यहाँ पर, जैसे मानो इसका एक यहाँ तक मेरे को पहुंचा, ठीक। हम क्या करेंगे एक लाइन छोड़ देंगे और छोड़कर क्या करेंगे अब यहाँ से लिखेंगे इक्टियोसिस ऑफ डिजीज, यानी कॉजेस क्या क्या है, किसके कारण से हो रहा है, तो वो सब उसको क्या करेंगे डिफाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स जनरली ध्यान रखना कि जब भी अगर आपका पेज हाफ पेज से अगर ज्यादा में लिखा गया हो तो उसमें सोचना कि एक दो पॉइंट और जोड़ ही दे, जैसे क्या लिख देना, जैसे कि बारह, तो आप क्या लिख दो, इट इज ऑल्सो कॉम्युनिकेबल डिजीज है, क्या कॉम्युनिकेबल डिजीज है, तो इसको आप पॉइंट वाइज पॉइंट चलते चलो। जैसे कि हम इंट्रोडक्शन इतना तक भरे हैं, अब मेरा थोड़ा सा पेज बचा हुआ, जैसे कि यहाँ पर मैं पेज दिखाया इतना तक मेरा भर गया, अब यहाँ से क्या मेरा इतना आसान बहुत सारा जो बचा हुआ है, तो क्या करेंगे यहाँ पर एरो मार देंगे, आप पॉइंट वाइज दो पॉइंट लिख देंगे, जैसे इट इज ऑल्सो कॉम्युनिकेबल डिजीज यहाँ तक हो गया ये, और जैसे कि कम्युनिकेबल यहाँ ला दीजिएगा और डिजीज यहाँ पर ला जाएगा प्लस टू, फिर सेकंड लाइन यहाँ से तो दो पॉइंट भरने के बाद इसको छोड़ दीजिएगा, फिर इस साइड में आएगा आप इटियोलॉजी, तो क्या हुआ इससे आपको काफी डिप्रेशन से या जो फ्रंट पेज है वो फिल हो जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेंगे, क्योंकि आप अंदर लाइन करके लिखे हैं और प्लस लास्ट में डिप्रेशन के बाद में पॉइंट वाइज करके जो इम्पोर्टेंट थे वो आप उसको डिफाइन किए हैं। फिर बात करते हैं इटियोलॉजी ऑफ डिजीज, आप इसके कॉजेस क्या क्या है, तो सेकंड पेज में आप कॉजेज और क्लिनिकल फीचर्स से कुछ लिख के बाकी सेकंड पेज में भी क्लिनिकल फीचर्स पहुंचा दें। तो इस तरह से फ्रेंड्स का जब भी जैसे कि इटियोलॉजी ऑफ डिजीज जब लिख लें तो इसको लिखकर अंडरलाइन कर देंगे, तो अंडरलाइन करने से क्या होगा दिखने में भी अच्छा लगेगा, और फिर आप क्या कर सकते हैं इससे आपको क्या चीज फायदा होगा कि आप एक लाइन नीचे का ये छोड़ सकते हैं, अट्रैक्टिव भी लग रहा है और अभी ये काम भी हो जा रहा है, क्या हो रहा है पेज और देखने में नीट एंड क्लियर लग रहा है, तो एक पेज छोड़कर यहाँ से फिर हम लिखना स्टार्ट करेंगे कि कॉजेस का क्या, कॉजेस के बाद क्या लिखेंगे कि क्लिनिकल फीचर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा, तो साइन एंड सिम्टम्स जितना आया जैसे कि जितने भी रेस्पिरेटरी डिजीज है तो उसका कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है, जितने भी डिजीज है सबका कुछ कुछ सिम्टम्स है वो कॉमन है, तो सबसे पहले जो मेन सिम्टम्स देखने को मिलता है उसको फ्रंट ऊपर में लिखें और बाकी के उसके बाद नीचे में जितने भी सिम्टम्स रेस्पिरेटरी से मिलते हैं वो सभी सिम्टम्स को नीचे की ओर भरते हुए चले जाएं। फिर उसके बाद बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी, अगर एमएसएन में है तो आप पैथोफिजियोलॉजी लिखेगा, और अगर जैसे कि आप पैथोलॉजी में है तो आप क्या लिखेंगे पैथोजेनेसिस लिखेंगे, तो पैथोफिजियोलॉजी लगभग एक पेज में आपका आ जाएगा। अब उसको किस तरह से आपको बढ़ाना है, जैसे कि आप ट्यूबरक्लोसिस लिए तो ट्यूबरक्लोसिस क्या लिखेंगे ड्यू टू एवापोरेटोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि बैक्टीरिया वायरस ये सब भरती है सब कॉजेस के कारण से, फिर कंपनी ये सब जो चीजें भरती हैं, फिर नीचे को आप नीचे को बढ़ाते हुए चलेंगे कि एड्स गोज टू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड स्लोली स्लोली इफेक्ट टू आवर लंग्स वगैरह वगैरह। अब इसको ब्रीफ में अब जितने लंबा कहानी करके धीरे धीरे करके एरो दे दे नीचे पढ़ते हुए चले जाए और लास्ट में नीचे पैथोफिजियोलॉजी का जो लास्ट है एंड लास्ट में अकस ट्यूबरक्लोसिस। इस तरह से फ्रेंड्स आपको ये तो पैथोफिजियोलॉजी मैंने पीछे भी वीडियो है उसमें बहुत अच्छे से बताऊंगा किस तरह से लिखा जाता है, तो आप पैथोफिजियोलॉजी अगर नहीं जानते लिखने के लिए तो हमारे पीछे के जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है उसे देखें और ब्रीफली आप लिखना सीख जाएंगे। तो फिर आप बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में, तो फ्रेंड्स डायग्नोसिस में बहुत सारे आते हैं, जैसे ब्लड का जो टेस्ट होते हैं, फिर एक्सरे वगैरह होता है, तो फिर जब भी आप जैसे कि आप लिख रहे हैं जैसे डायग्नोसिस लिख रहे हैं तो अब हमको क्या सबसे पहले जैसे कि ब्लड का जो टेस्ट करते हैं तो उसको हेमेटोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे स्टार मार्क कर देंगे और क्या लिखेंगे हेमेटोलॉजिकल टेस्ट। अब इसके अंदर में पॉइंट वाइज करके लिख देंगे, जैसे कि आप क्या करवा रहे हैं सीबीसी टेस्ट करवा रहे हैं और बहुत सारे टेस्ट हैं वो सब चीज आप करवाए हैं तो यहाँ पे आप देंगे। अब सेकंड स्टार क्या लिख दे रहे हैं कि जैसे कि आप एक्सरे करवाए चेस्ट का करवाएंगे तभी तो आपको पता चल रहा होगा कि क्या चीज है, तो अब यहाँ पे लिख देंगे रेडियोलॉजी टेस्ट, क्या चीज रेडियोलॉजी, और क्या कर एक लाइन भी जुट रहा है और बस आप इसका मतलब हेडिंग दे रहे हैं तो एक आप नीचे की लाइन को आप नीचे आप छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप नीचे भी लिख सकते हैं कि
एक्सरे ऑफ चेस्ट और चेस्ट के एक्सरे में आपको क्या दिखा वो आपके सिर के ग्राफ को लिखते हुए पढ़ते हुए जाना। तो इस स्टूडेंट्स आपको डायग्नोसिस में आपको लगभग आधा पेज से ऊपर चले जाएंगे। फिर बात करते हैं कि आप इसके बाद में जैसे कि ट्रीटमेंट डायग्नोसिस हो गया, डायग्नोसिस के बाद में ट्रीटमेंट होता है, तो ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट लेकर के आप कैसे लिखेंगे उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। चलो फ्रेंड्स तो बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपको कॉम्प्लिकेशन को पता है तो कुछ कॉम्प्लिकेशन में आप एक दो लिख देंगे तो इससे क्या होगा थोड़ा सा पेज लाइन भी बढ़ेंगे और देखने में भी अच्छा लगेगा कि आप एक वे वाई वे लिखते हुए आए हैं। फिर बात करते हैं ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, तो ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट लिखे तो इसको क्या कर देंगे इस तरह से अंडरलाइन कर देंगे और इसमें पॉइंट वाइज आप लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि आप मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या कर रहे हैं, तो मेडिकल मैनेजमेंट क्या करें अब मेडिकल में जो जो दवाई चला रहे हैं उसको एरो करके इस तरह से डिनोट कर दीजिए। अब यहाँ पर डिनोट करने का मतलब क्या हुआ कि आप सेकंड लिखेंगे यहाँ पे सर्जिकल मैनेजमेंट, तो सर्जिकल मैनेजमेंट देखिए फिर एरो से जो जो सर्जिकल मैनेजमेंट हो रहा है वो चीज़ इसमें आप दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा कि आप इसको सुधार के लिए नर्सिंग मैनेजमेंट का पेशेंट को क्या क्या बताएंगे कि क्या चीज़ आपको अवॉइड करना, जैसे कि टीबी है उसको क्या क्या बोला कि स्मोकिंग नहीं करना है, किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं आना ताकि फिर उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से उनको नॉलेज दे रहा है तो आप क्या कर सकते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट बना सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट को भी इस तरह से देख आप फिर इसमें एरो वाई एरो को इसको इस तरह से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या जाएगा लास्टली जो आप यहाँ पे लिखेंगे वो क्या होगा डायट्री मैनेजमेंट, क्या क्या चीज उसको खाने के लिए बोल रहे हैं, क्या क्या चीज उसको नहीं खाना, ये सभी आप डायट्री मैनेजमेंट में उसको बता सकते हैं ताकि आप इससे आपको क्या हो फ्रेंड्स देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि सबसे पहले आप उसके बारे में जो इंट्रोडक्शन दिए, फिर इंट्रोडक्शन के बाद इटियोलॉजी लिखे कि उसका कॉजेस क्या क्या, फिर जब डेफिनेशन लिख रहे थे उसमें आप पॉइंट वाइज पॉइंट कुछ कुछ मेन मेन पॉइंट भी दिए थे, एरो करके बताए थे, फिर डायग्नोसिस बताया, इटियोलॉजी के बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताया, फिर उसके बाद आप डायग्नोसिस बताया, तो एक जो एग्जामिनर है जो चेक करने वाला है उसको दिखेगा वे वाई करके ये स्टूडेंट है जो बाहर करके अंडरलाइन करके पॉइंट वाइज पॉइंट दे देंगे लिखा, आपको नंबर भी नहीं कटेंगे और बहुत अच्छा सा पेज को भी पिकअप कर सकते हैं, देखने में भी अच्छा लगेगा और नंबर भी आपको अच्छे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह से लिखा जाता है। और फ्रेंड्स आपको पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं क्योंकि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में बताने वाला हूं, बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एग्जामिनेशन में आता है वो सभी को मैं बताऊंगा और मार्क भी करूंगा, स्टार वाइज के कौन कौन क्वेश्चन आएंगे आप उसको जरूर देखें, आपके एग्जाम में पक्का है।